हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिज़ाइन विद मीनाक्षी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको गोपाल जी के लिए नाइट सूट बनाना सिखाऊंगी। इसे बनाने के लिए आपको कॉटन का कपड़ा, लेस, इलास्टिक, इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होगी। कलर आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। ये नाइट सूट बनाना बहुत आसान है और बहुत ईजी वे में मैं आपको इसे बनाना सिखाऊंगी। और ये मैंने कॉटन के कपड़े से बनाकर तैयार किया है। इसे पहनकर हमारे गोपाल जी बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे, उन्हें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी, बहुत आराम से स्लीप कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये नाइट सूट बनाना सीखना चाहते हैं तो बने रहें मेरे साथ वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं ये नाइट सूट बनाना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये नाइट सूट बनाने के लिए मैंने 5 इंच चौड़ी और 10 इंच लंबी एक पट्टी कॉटन के कपड़े में से कट कर ली है। और एक पट्टी मैंने 2.25 इंच चौड़ी और 9 इंच लंबी उसी कपड़े में से कट कर ली है। हमें क्या करना है, ये देखिए, ये इसकी सीधी साइड है और ये इसकी उल्टी साइड है। तो हम उल्टी साइड को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए लगा लेते हैं। ये सिलाई यहाँ पर लगाने के बाद अब इसको सीधा कर लेंगे। अब इसको सीधा करने के बाद हाथों की हेल्प से इस तरीके से प्रेस करेंगे, इससे ये सेट हो जाएगा। और अब मैंने, ये देखिए, ये वाइट कलर की लेस ली है, ये भी कॉटन की लेस है। तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे। ये लेस यहाँ पर लगाने के बाद अब मैंने ये बारीक वाली इलास्टिक ली है, इसको हम बीच में डालेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसके अंदर पिन लगा लेंगे और इसके बीच में इस तरीके से डालेंगे। इस तरीके से ये इलास्टिक इसके अंदर डालने के बाद हमें क्या करना है, इस इलास्टिक को बाहर की साइड निकाल लेना है। हल्का सा निकालेंगे और इस तरीके से निकालने के बाद इसको बिल्कुल कॉर्नर से अटैच कर लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, इस इलास्टिक को बिल्कुल कॉर्नर से लगाकर सेट कर लेना है और इसके किनारे किनारे सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते हुए हमें ध्यान रखना है कि सिलाई इलास्टिक के ऊपर ना लग जाए, वरना ये इसमें ही अटैच हो जाएगी। तो हम स्टिच करेंगे तो ये स्टिच नहीं हो पाएगी। तो ये देखिए, इस तरीके से इसके किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। बहुत ध्यान से सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, ये इलास्टिक यहाँ पर लगाने के बाद जो हमने ये एक्स्ट्रा पोर्शन बाहर की साइड निकाला था, इसको हम कट कर लेंगे। अब इलास्टिक को खींचेंगे और जितने भी हमारे गोपाल जी कमर है उसे नाप कर उस हिसाब से हम इसको कर लेंगे। तो ये नाइट सूट मैं 4 नंबर के गोपाल जी के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं ये वाला पोर्शन 4.5 या 4.75 के आसपास रखूंगी। ये देखिए, ये 4.5 है, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं।
ये 4.25 है, तो हम इस तरह से नाप कर एक्स्ट्रा इलास्टिक को कट कर लेंगे। और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब इसको खींचेंगे और इक्वल कर लेंगे। ये देखिए सभी जगह से ये इक्वल हो गई। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई लगाकर इन दोनों सिरों को आपस में टच कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से पकड़ना है और इसके सेंटर में निशान लगा लेना है। अब इस निशान को इस सिलाई से इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ वी शेप में सिलाई लगाएंगे। ये देखिए तो ये देखिए सिलाई यहाँ पर लगाने के बाद अब हम इसको बीच में से कट कर लेंगे। कटिंग थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, ये काफ़ी मोटा हो जाता है यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से ये पैंटी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसकी टॉप बनाएंगे। तो ये देखिए टॉप बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा ले लिया है। हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और इसमें सिलाई लगानी है। सिलाई यहाँ पर लगाने के बाद अब हम इसको फोल्ड करेंगे और बीच में से कट कर लेंगे। अब इन दोनों पट्टियों को सीधा कर लेंगे। इस तरीके से सीधा करने के बाद इसमें लेस लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से इसको रखेंगे और सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे।
इन पट्टी को इस तरीके से तैयार करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये देखिए दोनों साइडों में जिस साइड हमने लेस नहीं लगाई है उस साइड से हम इनको इस तरीके से रखेंगे, और इस तरीके से रखने के बाद लगभग 1.5 इंच की दूरी से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर तिरछी सिलाई लगा लेंगे। तो ये इस तरीके से चोली बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको अपनी पैंटी के साथ में अटैच करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये जॉइंट है, इसके अंदर इस तरीके से इसको रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये चोली मैंने इसमें अटैच कर दी है। और ये सिलाई लगाते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमें सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं लगानी है, इलास्टिक से नीचे वाले पोर्शन में लगानी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये नाइट सूट बनकर तैयार है। अब मैं आपको बताती हूँ ये किस तरीके से हम पहनाएंगे। ये देखिए अपने गोपाल जी के शोल्डर्स पर इस तरीके से हम इसको पीछे की साइड फोल्ड करते हुए रखेंगे और इस पैंटी के यानी कि निक्कर के अंदर इस तरीके से इसको दबा देंगे। तो ये इस तरीके से हमारे गोपाल जी को आ जाएगा और इसे पहनकर हमारे गोपाल जी बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये नाइट सूट बनकर तैयार है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये नाइट सूट और मेरे सिखाने का तरीका कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आए और आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आगे भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग एंड कीप स्माइलिंग।